एक दफ फांसी नहीं दे, फांसी 2 मिनट में प्राण लेकर जाएंगे, सुख से हो जाएगा वो जो ऐसे डाला जैसे हमारे ऊपर। हम तो यही कहेंगे, हम का कहेंगे, हम तो देख देख के यही कहेंगे कि वो तो जी रहो, जेल में रह रहा रोटी तो खाई रहो, तो सजा ऐसी मिली जाए ना से पैर हाथे और पैर अब दू जिंदगी ना तो नावे दोला तो दुनिया देखे बा, ऐसी सजा देनी चाहिए। नीतू, नीतू मेरी 2.5 साल की है, छोटी बेटी पूनक वो कृष्णा वो 1.5 साल की, तो दोनों तीनों माँ बेटी सो रही थी अपनी माई के नाम ठेल कर। और इंदर मेरा पति का नाम इंदर है, तो वो आया रात के 1 बजे, उसने मुँह बोले सो रही, मैं ले नहीं आया हूँ, सोया 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 ऐसे डाल दिया, हम किच्चा आए कोई सामने नहीं आया। फिर हॉस्पिटल पर मेरी माँ थाने में ले आई, वो मतलब हॉस्पिटल में आगरा में, फिर माँ 3-4 महीने रही। तो समाज बहुत बुरी नज़र से देखते और भेदभाव रखते, मुंह ढक ढक के आते, जो अपने लोग हैं वो भी पराए है कर दिए उनने। हम मेरी माँ ने ना कितनी मेहनत करके जो पैसा हो, मेरी माँ ने कर्ज कर लो, मेरी माँ ने पैसा नहीं चंदा करा, मेरी माँ ने मेरे पीछे घर की नौबत आ गई, लेकिन लड़ाई हो गई थी हमें, लड़की सो रही थी बगल में, लड़कियों को हटा दिया था एक तरफ साइड में कर दी थी, तो यार मतलब वो डाल दिया था, इतनी बड़ी सीसी थी वो डाल दी थी, डाल के हम वहाँ से निकल गए, बंद भी हो गए, जेल भी काट के आए। और फिर इसने चिट्ठी भेजी और समाज के डर के मारे, मतलब समाज ने मतलब ऐसा आवाज उठाई, मैंने केस वापस ले लिया, मुझे इंदर मुझे ना ले आया, फिर जब नहीं सही भी नहीं रहा, फिर मतलब 2-4 महीने सही रहा, फिर जब मारपीट बजाने लगा मैं, अब हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, हमारी हाथ कट गए। तो मेरी बेटी कृष्णा ही है, वो 1.5 साल की है, तो उसके खोपड़ी में चेहरा बहुत बढ़िया हो, उसका कहीं नहीं मच्छर का दाग नहीं हाथ पे हो, और जिस टाइम मेरी बच्ची 2 महीना बाद ख़त्म भई वो, हमारी किस्मत में लोग अपनी किस्मत संवारते हैं, वो अभी तक नहीं सुधरा। मुझे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा मन दिल से ऐसा उतर गया है, कहने की अब वो आज तो मतलब हो ही गया, जो वो नसीबे यार बारों ने भड़का दिया, चले गए वो डाल दिया, फिर हमने डालने के बाद में फिर हमने रावली मंदिर भी गए, मंदिर जाके गलती भी मानी, कोई ऐसा ना हो कोई ज़्यादा जल गई हो, क्षमा करना भाई, पछतावा तो होता है, इस लड़की को देख के ज़्यादा होता है, तो कहने से क्या होता है, कुछ नहीं, जो होना था वो तो हो गया, कोई अपने बच्चों को मारना नहीं चाहता। बस ये था कि जब क्या बोलते अटैक हो गया था, तो जब हम क्या बोलते नानी के घर पर रहते थे, तो कोई मुझसे पूछता था कि किसने किया ये, तो हम बोलते थे गुंडा ने किया है, पापा को हम गुंडा बोलते थे, अगर कोई हमसे बोलते तो था कि गुंडा आ रहा है, तो हम भाग जाते थे, छुप जाते थे घर में। पता थी मुझे मेरे पापा ने किया है, मुझे बचपन से ही पता थी, क्योंकि मैं अपने पापा के नाम से डरती थी। मैंने अपने पति को इंदर को माफ कर दिया, जो सपोर्ट मुझे आज मिल गया है, तो शायद जेल में ही होता, जी ना नहीं होता। हमने अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगी, अपनी लड़की से भी हमने माफ़ी मांगी थी, भाई हमें माफ़ कर दो, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, जब हमें माँ से कानून से निकाला, कानून से निकालने के बाद जब से हम रह रहे हैं, फिर हमारी ये 3 नंबर की जो ये लड़की पूनम, जब से हम देर साथ ही रह रहे हैं। हाँ मैंने माफ़ कर दिया यार, भाई है ना माफ, मेरे मन में ऐसा कुछ कभी नहीं आता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये मेरे मन में नहीं आता है, तो कोई माफ करने का सवाल ही नहीं, मेरे मन में कभी इस चीज़ को लेकर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ यार। अटैक मेरे फेस पे, मेरी आंखों पे हुआ, ना कि मेरे सपनों पे, ना कि मेरी हिम्मत हौसले पे, वो मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारी सांस रुक जाएगी जब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए जब तक हमारी सांस है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते रहें। जगदीश
करी तुम्हें पूरन करी माती माँ तुम्हें अंतरिया समझ तुम्हें अंतरिया पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करी।